जय हिंद दोस्तों, मैं इब्राहिम सुप्रीम टीम समाचार में आप सभी का स्वागत करता हूं। वैसे कल के दिन में जो यहां पर कार्रवाई हुई नगर पालिका की तरफ से, आप देखेंगे तो जस्ट अपोजिट में एक एलआर तिवारी कॉलेज जो शिक्षा का और लोगों को ज्ञान देने की जगह है, और उसके ही जस्ट अपोजिट में देखेंगे तो आप 7-Eleven क्लब है। अब उसी के बाजू में आपको मैं बता दूँ, मैंने नाम इसके लिए बताया कि मानी जानी हस्ती है, लोग को फटाक से दिमाग में आ जाएगा कि वो कौन सी जगह है। अब यहाँ पे ये जो गरीब लोग रह रहे हैं, इनका जो घर है बिना नोटिस के बिना जानकारी दिए तोड़ दिया गया। अच्छा, मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ बहन, कि आपको क्या इन्फॉर्म किया गया था इस चीज़ के लिए, बताया गया था कि आपका घर तोड़ने वाला? नहीं बताया, बिना बताए तोड़ दिया। बिना बताए हम लोग सब काम पे था। अच्छा, ये रूम आपका खुद का है? नहीं, भाड़े पे। कितना भाड़ा है? 3,000। भाड़ा लेता कौन है? एक है दूसरा, एक जिससे हम लोग भाड़ा देते हैं वो भी इधर ही रहता था। क्या बोले आपने? आइए आप आगे आइए। क्या नाम बोले आपने? तूफान। वो तूफान जिन्होंने इनकी जिंदगी में तूफान मचा दिया, 3,000 रुपया लेते थे ना? कितना? 3,000 डिपोजिट, 3,000 भाड़ा। 3,000 लाइट है? लाइट है, लाइट के साथ में 3,000। 3,000 लाइट के साथ में 3,000। हाँ, क्या नाम बोल रहे? मिंटू। मिंटू मैन है उसमें। चलिए, एक मिंटू है, एक तूफान है। तूफान ने ऐसा तूफान लाया कि देखिए ये सब पूरे जमीन लेवल हो चुकी है इनकी। सर आपका नाम? तूफान दास। तूफान दास, तो ये जो आप पैसा सबसे लेते हो 3,000 रुपया महीने का, कितने झोपड़े यहाँ पे? ये मेरा था 32 झोपड़ा था। 32 झोपड़ा, यानी कि लगभग लाख रुपए के लगभग में कुछ ऐसा महीना वसूल हो जाता होगा। तो ये पैसा जाता किसको है? ये क्या मालूम है, जिन्होंने दिया था जमीन मेरे को। नाम? बिल्डर पवन पाटिल। पवन पाटिल, ध्यान में रखिएगा। हाँ, तो उन्होंने हमको ये दिया था, तो उनको भाड़ा भरना पड़ता है और लाइट का बिल भरना पड़ता है। तो इसमें मेरा सब घर को मीटर है या एक ही मीटर से सबको? एक ही मीटर से, मीटर मेरा उधर लगा हुआ है। बिल कितना आता होगा? बिल 30,000 आता है। 30,000 रुपया महीना? हाँ। चलिए, बिल इतना आता है, और जो मीटर वाले अडानी का है किसका है? मालूम नहीं है। चलिए नहीं, पर मैं बता देता हूँ कि चाहे अडानी का हो या टाटा का हो, 30,000 रुपया एक मीटर से बिल आ रहा है। तो ऐसा कौन सा यहाँ पे फैक्ट्री लगी हुई है, कौन सी मशीन लगी हुई है कि इतना बिल आ रहा है? चेकिंग करने नहीं आ सकते? चलिए, तो अब इनके साथ में जो ऐसा हो गया है, तो आप क्या सहमति, आप अपनी क्या मतलब सहानुभूति इनके साथ में आपकी? जो जिन्होंने मेरे को ये दिया था, उन लोगों ने सबने हाथ ऊपर कर लिया। मैं भी खुद इन लोगों का साथ ही रहता। मैंने आप भी यहीं रहते हो? यहीं रहते हो? मेरे ये रूम मेरा था, मैं इनका सुपरवाइजर था। अच्छा, आपको कितनी पगार थी? मेरा 20,000। चलिए, 20,000 रुपया पगार थी। अच्छा है, और आगे बोलिए। मैं इधर का सुपरवाइजर था, इनके साथ में मेरा भी गया, अब कोई भी नहीं आता है। चलिए, मैंने उनको बोला जी अभी इनका इतना लॉस हो गया है, थोड़ा बहुत इनका हेल्प कर दीजिए, हैं, ताकि इनको थोड़ा मुआवजा कुछ मिल जाए तो ठीक है। अच्छा, कुछ एनजीओ वाले आए थे ना मदद करने के लिए? हाँ, आए थे, खाना पीना देके गए थे। तो और अभी? अभी भी खाना देके गया। अच्छा, तो अभी ये जो है, अब आप लोग कहाँ रहोगे? यहीं वापिस से बना के रहोगे या फिर यहाँ पे? अभी हम लोग इधर उधर ढूंढ रहे हैं जी, कहीं मिल जाए थे। अभी इधर रहने के लिए तो सीधा सीधा मना कर दिया, अभी उनको ढूंढना पड़ रहा है। मेरा पास एक भी पैसा नहीं है। क्या बोल, कितना खर्चा किया? एक एक रूम में 25-30,000 खर्चा हो गया ये इधर ही। मैं बोलता चाहता हूँ, मेरा 10,000 मेरा पगार मिलता है, ठीक है, एक एक महीना इधर रहता है। क्या काम करते हो आप? मैं बेगारी काम करता हूँ। यानी मजदूर हो? आप कब्जा तो नहीं किए थे ना यहाँ पे? नहीं, कब्जा करके? नहीं नहीं, कब्जा भी नहीं लेते। पता चले नगर पालिका के अधिकारियों को 2,000, 5,000, 10,000 दे के टैक्स पावती बनाने की प्लानिंग चल रही थी, ऐसा? ऐसा कभी नहीं करता। चलिए, ऐसा कुछ भी नहीं था यहाँ पे। चल, ये जरूर रहा था कि ये ईमानदारी से भाड़ा दे रहे थे, और एक ही महीने हम लोग चुकने थे, हर महीने। कितने साल से ये जगह है? मेरा तो इधर आके 4 महीने हुआ। कितना? 1 साल 1 महीना। आपको कितना साल हुआ? 1 साल 1 महीना हो गया इधर आके, यानी के लगभग लगभग 13 महीना हो गया। क्या बोल रहे हो आप? 4 साल एग्रीमेंट किया था इस जगह में। आपको एग्रीमेंट से बना के यहाँ रखा है? पेपर भी है। एक और चीज, पीपर भी है, घर तोड़ दिया। चलिए, एग्रीमेंट यानी के एक सरकारी पावर, वो पावर ऑफ अटर्नी रहती है उसके, उसमें यानी के एक पावर रहता है वो आपको, कि इतने वक्त से पहले आपको निकाला नहीं जा सकता है। नहीं निकल दे रहा है घर से, पूरा जिस भी लाकर तोड़ दिया। चलिए, सारी चीजें जो है यहाँ पर, घर पे बहुत कुछ पैसा, टाइम भी नहीं, पैसे निकल पे टाइम नहीं, सामान भी नहीं निकल पे टाइम नहीं, पूरा तोड़ दिया जिस भी आके, पूरा तोड़ दिया। एक बात और मैं आपको बता दूं कि ये बेचारे जो गरीब लोग हैं, ये देखिए, चलिए, किसने बोला था ये? इधर कोई बोला मुझे आग लगा देंगे इधर, अगर सामान उठाया नहीं ले गया तो सब मतलब आग लगा के जला देंगे इधर। चलिए, अब इन्हें जो है जिंदा जलाने की, वैसे भी जो है शमशान भूमि की में लकड़ियां कम पड़ी है। आपको पता होगा कि हम लोग ने वो भी कवर किया था कि लकड़ियों का घोटाला शमशान का। अब ये क्या बोल रही है, बोलिए। म्युनिसिपैलिटी लखमानी तो नेता लोग करके गया, हम लोग का गर्भ करके गया,
नेता लोग तो करा के दिया ना, चमचे लोग का भेजा, चमचे लोग तो किया ना। चलिए ये कह रही है कि चमचे लोग जो है शायद से हो सकता है कि ऊपर तक का इनका जो पैसा है पहुंच नहीं पा रहा था, बीच में ही खत्म हो जा रहा होगा, इसके लिए नगर पालिका ने इस पे ध्यान दिया है। मैं बता दूं कि ये साल भर की पहली बार तोड़ा गया ना इसको, साल भर में इसको पहली बार तोड़ा गया है। जब से यहाँ के अधिकारी, यहाँ के जो नगर सेवक, दिखता नहीं होगा कि यहाँ पे अवैध तरीके से बांधकाम चालू है, अवैध तरीके से लोग रह रहे हैं, तब उनको दिखाई नहीं दे रहा था, पैसे वसूली किए जा रहे हैं। जो भी तूफान है और जो जिसके अभी जो नाम लिया पाटिल का, उसके ये मैनेजर भी हैं और काम कर रहे हैं, पैसा पहुँचा रहे हैं ईमानदारी से, 20,000 रुपया मिल भी रहा है उनको ईमानदारी से, पर ईमानदारी से जो है इनको ध्वस्त कर भी दिया गया, इनको रोड पर पहुँचा दिया गया है, वो भी ईमानदारी से। अब ये ईमानदारी देखते हैं और आगे कितना दिन चलती है। उम्मीद है कि एक बार तोड़ दिया गया तो शायद दोबारा नहीं बनेगा, पर अगर अब नहीं बनेगा तो ये जाएंगे कहाँ, ये लोग कहाँ जाएंगे, ये जो छोटा सा बच्चा ये देखिए गोद में लेकर के ये कहाँ जाएंगे। नगर पालिका और भी जगह काम पे है, अवैध चालू है, शायद उस पर भी रोकथाम हो, मुझे उम्मीद है कि उस पर भी रोकथाम होगा। इसी तरह जैसा इन लोगों को बेघर कर दिया गया है, जो वापिस से बसने की तैयारी कर रहे हैं उन पर जो है वापिस से कार्रवाई हो, उनको भी रोका जाए। कई बिल्डिंग ऐसी है जो अवैध, अगर जानकारी निकाली जाए तो मैं बता दूं कि यहाँ पे भी कुछ जो बड़ी बड़ी चीज़ें ना वो अवैध है। अब आप जो है फैसला करें, आप मुझे राय अपनी लिख के ज़रूर बताएं कि ये जो हो रहा है क्या ये सही है, नगर पालिका जितनी कार्रवाई कर रही है वो क्या सही है, इस पर पहले से ध्यान देना चाहिए था कि नहीं ध्यान देना चाहिए था। इनको बस जाने के बाद में इन बच्चों को देखिए, यहाँ पर कुछ भी इन बच्चों को खेल कूद की उम्र है इनकी, अब ये घर से बेघर दर बदर घूमेंगे फिरेंगे और आवारा बनेंगे, और उसके बाद में हो सकता है कि यही जाकर के कुछ गलत रास्ता इख्तियार करें, जिससे कि पूरे देश को खतरा पहुंच सकता है। ऐसे लोग अगर जब रोड पे आ जाएंगे तो देश को खतरा ही पहुंचेगा, ना कि अच्छी चीज़ होगी। मैं बता दूं कि ये कार्रवाई इसी तरह हर एक जगह पर होनी चाहिए, ऐसा नहीं है ये जिसकी जगह है वो अवैध तरीके से क्यों ये काम होने दे रहा है, ये भी चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। नगर पालिका की अगर ये जगह है तो उस पर अपना बोर्ड लगाना चाहिए, अपनी सारी चीज़ें अपने अहते में रखना चाहिए, यहाँ पर MSF के जवान को खड़ा रखना चाहिए, ये सारी चीजें हैं। मैं LR तिवारी के सामने से इन गरीबों के साथ में हकीकत दिखाते हुए महेंद्र कुमार गुप्ता के साथ में, जय हिंद जय महाराष्ट्र।